गोरखपुर पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के मकसद से नवनिर्मित जेल पुलिस चौकी का स्थापना किया है, जिसका उद्घाटन एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने फीता काट कर किया। इस दौरान एसएसपी ने चौकी परिसर में स्मृति के तौर पर आम के पौधे का रोपण किया। दरअसल जेल परिसर के अंदर ही नवनिर्मित जेल चौकी बनी है। ऐसे में जेल चौकी के जरिए अब पुलिस जेल से छूटने वाले अपराधियों की निगरानी कर सकेगी। खास तौर पर जेल में बंद अपराधियों से मुलाकातियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। साथ ही जेल चौकी के रिकॉर्ड में जेल से छूटने और बंद अपराधियों का ब्यौरा दर्ज रहेगा। गौरतलब है कि कागजों पर जेल चौकी का अस्तित्व होकर भी पहले यहां बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी। इतना ही नहीं, चौकी की जर्जर हालत होने की वजह से यहां तैनात दरोगा और सिपाहियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन सीओ क्राइम प्रवीण सिंह की पहल पर और जन सहयोग के जरिए जेल चौकी के नवनिर्मित भवन का निर्माण कराया गया। वहीं उद्घाटन के मौके पर एसएसपी सुनील गुप्ता ने कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने के मकसद से जेल चौकी कारगर साबित होगी। एसएसपी ने कहा कि सीसीटीवी से लैस है, इसके जरिए इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही जेल के अंदर और बाहर अपराधियों पर नकेल कसा जा सकेगा। इस दौरान मौके पर जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील गुप्ता ने कहा, यहाँ आप लोग जनसेवा है, जन जनशक्ति है साथ में, और क्या जैसे आपने बताया था एक बार दिनों टाइल्स वगैरह करा के हाँ सभी लाइट नहीं है, इसमें व्यवस्था इन्वर्टर करा रहे हैं। रजिस्टर है सर, अपराधियों में जो जेल से छूट रहे हैं और जो जेल में आ रहे हैं, बाहर जनपद की भी सूची हमारे पास है, जो अन्य जनपद से उनको ऐसे कर लोगे जिन्हें प्रशासन के आधार पर आ रहे हैं उनका भी है सर। और रजिस्टर को ना ऐसे कर लोगे तो दो लोगों के बैठने की जगह छठे हुए लुटे पहले की थी सर, बस इतनी सहयोग सबका होगा, हमारा ही नहीं है सबके लिए प्रेरणा बने, हम तो यही कर ये जैसा कि आपके सामने है ही है कि ये जेल चौकी का रिनोवेशन जन सहयोग और जन भावना के साथ हुआ है। मैं इसमें केवल सहयोग ही नहीं कहूँगा, मैं यहाँ भावना भी देख रहा हूँ। लोग आगे आ रहे हैं अपनी सुरक्षा और अपने इलाके की सुरक्षा को लेकर के पुलिस और जेल के साथ में एक मिलजुली पहल हुई है, और ये एक तरह का एक अनूठा एग्जाम्पल है, एक तरह का ये अनूठा प्रयोग भी है, जिसमें जेल का महकमा भी है, पुलिस महकमा भी है, और सिविलियंस जो आसपास के लोग हैं, एनजीओज भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं हमारे यहाँ के, जब्बार साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें मदद करी है छोटे छोटे, और ये बहुत बड़ी बात है कि जनता खुद अपने आगे आकर के इस तरह की चीज़ों में हमारी मदद कर रही है, और हम चाहेंगे कि पुलिस वाले भी इसी तरह से तन मन धन से जनता की मदद करें और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए ये चौकी बहुत ज़रूरी थी। और इस चौकी से ना केवल इलाके की हमें कवरेज होती है, बल्कि जेल में, जेल के अंदर और जेल के बाहर भी हमें नियंत्रण रखने में आसानी होती है। नहीं देखिए, तो जेल चौकी है तो जेल को ध्यान में रख के ही पहले से बैठाई गई है यहाँ पर, और सभी जेलों के बाहर चौकियाँ रहती हैं, क्योंकि अमूमन दिन में 150-200 लोग आते जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जेल के अंदर आप जानते ही हैं बहुत सारे अभियुक्त और क्रिमिनल लोग रहते हैं, जिनसे मिलने के लिए उनके साथी बराती भी आते हैं, तो उनकी भी निगरानी हो जाती है,
और कौन छूट रहा है, कौन एक्सेस जा रहा है, और इन सब पर भी एक निगरानी हो जाती है और पूरे समाज में एक अच्छा संदेश है कि जेल और पुलिस कहीं से अलग नहीं है, लोग भी अलग नहीं है, सिविलियन साथ में है हमारे, और हम अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए किसी भी तरह का सहयोग हम पूरी कोशिश केवल यहीं सीसीटीवी नहीं, मैं तो जब से मैंने चार्ज लिया है मैंने जनता से, व्यापारी बंधुओं से, पत्रकार बंधुओं से, सभी से गुजारिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीसीटीवी कवरेज जितना हम बढ़ाएंगे अपराधियों के हौसले उसी तरह पस्त होंगे। आपने देखा चाहे वो बहुत बड़ी बड़ी लूटें भी इसी से खुली हैं, सीसीटीवी कैमरे से। आप विकसित देशों में भी जाएंगे, विकसित देश आज विकसित इसीलिए हैं कि वहाँ निगरानी तंत्र, वहाँ का सर्विलांस सिस्टम बहुत बेहतर है और वो उसमें बहुत बड़ा रोल है सीसीटीवी कवरेज का।